मतलब स्वेटर जैकेट, मेरी जो जैकेट थी उसे भी मैंने निकाल लिया है धोने के लिए। वैसे तो मैंने धो के रखा था लेकिन फिर भी वो इतने दिनों से रखा हुआ रहता है तो पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो बिना धोए तो पहन नहीं सकते, तो जिसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे, क्योंकि फिर से नीचे धोती और फिर लेके जाती इतनी ज़्यादा मतलब हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, तो लेके जाने में दिक्कत होती है, जिस वजह से मैं यहीं आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, यहीं पर धो के छत पर डाल दूँगी और नहा भी लूँगी यहीं पर। ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही नहा रहे, जहाँ मन वहाँ नहा सकते, नीचे भी नहा लेती हूँ, कभी कभी ऊपर भी नहा लेती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ, लेकिन धूप आप लोग देख ही रहे होंगे कि धूप बिल्कुल भी नहीं है। करीबन 12 बज रहे हैं अभी और साफ सफाई जो भी है वो सब हो गई है, बहुत सारे धूप बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर मैं रुक गई थी क्योंकि जब मैं ऊपर आई तो पता चला टंकी में पानी ही नहीं था। सो यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़े मैं धो धो के यहाँ रख रही हूँ और उसके बाद ले जाऊँ, क्योंकि बाल्टी में इतने ज़्यादा कपड़े आ नहीं रहे थे। और इससे पहले मैंने जो ये छोटे छोटे कपड़े सबको सर्फ एक्सेल में मतलब पहले से ही भिगो के रख दिया था, इससे क्या होता है कि गंदगी वगैरह जो भी है वो फटाफट निकल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, वीडियो को पहले वॉच करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की जो आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने अब नहा लिया है और अब मैं कपड़े डाल ही दूंगी। देख ही रहे हो आप लोग की धूप का तो कोई पता नहीं है और सूखने में मुझे लग रहा है कि 2 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन मेरा जो जैकेट है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ मैंने उसे पहले ही डाल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा है और उसे सूखने में करीबन 4 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन के पहले वो सूखेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने धो दिया था। ये देखो कितना पानी है उसमें और इतना हैवी है कि मैं एक बार में इसका पानी निकाल भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। और बस यहाँ पर जो भी काम है वो मेरा हो ही चुका है क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने खाना भी पहले ही बना लिया था, नहाई नहीं थी लेकिन नहाने से पहले ही मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद जो भी साफ सफाई वगैरह थे सारे करके उसके बाद मैं छत पे आ गई थी। अब यहाँ से जाऊँगी तो मैं खाना खाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, भूख भी लग रही है और आजकल तो इतना मतलब क्या करूँ, नींद का तो हालत ख़राब हो गया है। हम लोग 3 आज 4 दिन हो गए हैं, 4 रात से हम लोग सोए नहीं हैं, जिस वजह से और भी मतलब बेचैनी टाइप की फील कर रही थी मैं और बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे थे, ना मैं ना हस्बैंड, कनक तो सो जाती थी लेकिन हम लोग सो नहीं पा रहे थे। आगे और नीचे आ गई हूँ मैं, खाना तो मैंने बना लिया था, ये मिर्ची भूज के रखे थे मैंने, इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ क्योंकि ये जब तक घुलेंगे शाम तक घुल जाएगी तो खाने में ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है, तो सर्दियों में इसे आप लोग खा सकते हो, 1 दिन बनाओ और 3-4 दिन आराम से खा सकते हो, तो बस इसे मैं डाल के छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ले ली थी मैंने और ये देखो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो देख रहे हो आप लोग इतनी ज़्यादा साउंड है, मतलब जस्ट हमारे घर के नीचे ही ये तोड़ फोड़ हो रही थी और रात भर इसकी वजह से हम लोग 3 दिन नहीं सो पाए हैं, मतलब जो भी बेड वगैरह थी वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो हिल रही है, मतलब जैसे भूकंप आती है तो धीरे धीरे मतलब बेड हिल रहा था पूरा, तो मैं तो ऐसे सो ही नहीं पाती। अब हो गई है रात तो आज मैंने बाजी मार लिया हस्बैंड से, एक्चुअली हम लोग में दोनों में शर्त लगा था तो मैं जीत गई थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है आज रात को चिकन चिली मैं बनाऊँगा, तो हम मैं और कनक एकदम सॉफ्ट हो गया, मैं उसकी मुँह मतलब कनक की मुँह देखने लगी और वो मेरा चेहरा देखने लगी, हम लोग सॉफ्ट हो गए, लेकिन नहीं हस्बैंड ने कहा कि आज मैं बनाऊँगा, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, 13 या 14 साल हो गए मेरी शादी को लेकिन इतने दिनों में 1 या 2 बार ही ऐसा मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि इसकी क्लिप लेना तो बिल्कुल बनता है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे मैंने सारे मसाले वगैरह सब तैयार कर दिए थे और चिकन चिली मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मेरी खुशी आप लोग को मेरे चेहरे पर दिख रही होगी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि कभी कभी हस्बैंड अगर कुछ कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, वैसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके हस्बैंड ऐसा काम करते रहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं करते तो इसलिए आज वो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और भर भर के लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे देखो ये चिकन चिल्ली मतलब यहाँ पे फ्राई हो गया है, तो इसमें से मैं एक पीस निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्राई वाली अच्छी लगती है खाने के लिए। और यहाँ पे ग्रेवी भी तैयारी हो गया है, मसाले वगैरह मैंने सब ऐड कर दिए थे और हस्बैंड ने यहाँ पे बैठ के बना दिया है। तो ये देखो ये इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो यार हस्बैंड ने सच में आज बहुत मेहनत की है, ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं दिल से बहुत खुश थी आज। तो अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा अगर हो जाता है तो। और बस अब रात हो गई है, अभी तक हम लोगों ने खाना खाया नहीं है, बस यार टीवी देख रहे हैं बैठ के। अभी टाइम होगा तो खाना खाने जाएंगे। और इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।